एन नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे गांधी परिवार की। जी हां, गांधी परिवार की बात करेंगे और जो स्पेशली जो है वो हम बात करेंगे कि सास बहु में कैसे खिटपिट हुई थी गांधी परिवार में। यूं तो आम लोगों की जिंदगी में जो है ये ऐसे खिटपिट होते रहती हैं, लेकिन जो राजनेताएं हैं उनके परिवार में भी जो है वो ऐसी खिटपिट होते रहती हैं। आपको हम बता दें कि इंदिरा गांधी और मेनका गांधी जो हैं वो इंदिरा गांधी के परिवार की बहू हैं और आपको बता दें कि उन दोनों के बीच बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा है। दोनों में हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर खटपट होते रहती थी, जिसे लेकर जो मेनका गांधी है वो कांग्रेस पार्टी में ना जाकर उस वक्त बीजेपी पार्टी में शामिल हुई थी। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी और मेनका गांधी जो है वो उन दोनों के संबंध कभी से अच्छे नहीं रहे हैं और हमेशा जो है उन दोनों के बीच जो है अनबन होते रहती हैं। तो आप देखिए, इससे जुड़ी जो है बहुत किस्से जो हैं उनकी बीच की जो ये दरारें जो हैं वो कैसे पैदा हुई वो देखिए इस रिपोर्ट में। मेनका गांधी गांधी परिवार की बहू रह चुकी हैं, संजय गांधी की पत्नी रह चुकी हैं और वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं और राजनीति में उनकी इच्छा शेष है। अपने बेटे वरुण को यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर देखने की है। 90s के बाद पैदा हुई पीढ़ी शायद वो कहानी ना जानती हो जिसकी पृष्ठभूमि में मेनका को गांधी परिवार से बेदखल कर दिया गया। यह जगजाहिर है कि उनकी सास इंदिरा गांधी उन्हें पसंद नहीं करती थी, लेकिन संजय गांधी के रहने तक उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर नहीं की। लेकिन संजय की प्लेन क्रैश में मौत के बाद ही मेनका के बुरे दिन शुरू हो गए और अंततः उन्हें एक सफदरजंग रोड से निकाल बाहर कर दिया गया। उस दिन सास बहु में तीखी नोकझोंक हुई थी। इसकी एक एक घटना के बारे में लिखा है कभी गांधी परिवार के करीबी रहे लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी किताब सच प्यार और थोड़ी सी शरारत में। किताब राजकमल प्रकाशन में छपी है, उनका एक हिस्सा आपको पढ़वाते हैं। उपलब्धियों का यह दौर बहुत छोटा था। 23 जून 1980 में सुबह संजय का 2 सीट वाला विमान दिल्ली की दक्षिणी पर्वत श्रेणी पर गिरकर चकनाचूर हो गया और उसमें संजय और उसके साथी पायलट कैप्टन सक्सेना की मौत हो गई। उस समय अमतेश्वर और उसकी बेटी अंबिका इंग्लैंड में छुट्टी मना रहे थे। उन्हें यह खबर स्वराज पॉल ने दी। पॉल एक व्यवसायी था जिसने अपने को गांधी आनंद परिवार का कृपा पात्र बना लिया था। अमतेश्वर और अंबिका को विशेष रूप से किराए पर लिए गए एयर इंडिया के विमान में वापस दिल्ली भेजा गया। विमान रोम में राजीव और सोनिया को लेने के लिए उतरा। वे वहां सोनिया के माता पिता के पास ठहरे हुए थे। विमान पर दूसरे यात्री थे, एक जहाज कंपनी के मालिक सुमति मोरारजी और विशि शुक्ल। वे प्रथम श्रेणी के निचले तल पर थे, बाकी लोग ऊपरी तल के प्रथम श्रेणी लॉन्च में थे। बीच बीच में सुमति, विशि शुक्ल और स्वराज पॉल आनंद परिवार का साथ देने के लिए उतर कर आ जाते थे। वे तीनों आमतेश को समझा रहे थे कि उसे दोनों परिवार के बीच संबंध बनाए रखने की हर कोशिश करनी चाहिए और अब चूंकि संजय नहीं रहा है उन्हें राजीव से बनाकर रखना चाहिए। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने मन में मेनका के खिलाफ कोई नाराजगी पाल रखी थी तो उन्होंने इसके बारे में तब तक कुछ नहीं कहा था ना किया जब तक संजय जीवित था। इस विश्वास में कुछ सच्चाई हो सकती है कि वह अपने दूसरे बेटे से प्यार भी करती थी और उनसे डरती भी थी। वहीं संजय अपनी माँ के घर की अपेक्षा आनंद परिवार के घर में ज्यादा सहज रहता था। आनंद परिवार में नौकरों सहित सभी अवभगत करते थे। माँ के घर में उसके बड़े भाई के रूप में एक प्रतिद्वंदी मौजूद था। श्रीमती इंदिरा गांधी इस बात को नापसंद करती थी कि संजय उनके घर की अपेक्षा आनंद परिवार के घर को तरहजी देता है। संजय की दुखद मृत्यु के बाद गांधी परिवार ने मेनका को यह जताने में बहुत समय नहीं लगाया कि वह प्रधानमंत्री के घर से मेल रखती हैं।
संजय की मौत के एक हफ्ते बाद श्रीमती गांधी ने खुद मेनका को कहा कि वह उनकी सेक्रेटरी का काम करे। कुछ दिनों के बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मेनका के कमरे में आए। उन्होंने उसे सूचना दी कि श्रीमती गांधी को खुद उसे यह बताने में संकोच हो रहा है, लेकिन सोनिया इस प्रस्ताव के विरोध में अड़ी है और उसने यह भी धमकी दी कि अगर मेनका को दिया प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो वह अपने परिवार के साथ इटली लौट जाएंगी। इस बात के बारे में मुझे बहुत शक नहीं था, सोनिया की उसकी ज़्यादा प्रिय बहू है। वैसे भी जैसे संजय उनका ज़्यादा प्रिय बेटा है, अब जब संजय की नहीं रहा तो श्रीमती गांधी के पास अपनी एकमात्र बची हुई संतान राजीव का सहारा लेने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। उनके मन में मेनका के लिए कोई ख़ास स्नेह नहीं था और आमतौर पर रौब जमा कर उन्हें अखरता था कि इस तरह की भावना के प्रकट विद्वेष में बदल जाने में बहुत देर नहीं लगती। वहीं श्रीमती गांधी को मेनका की उपस्थित से धीरे धीरे चिढ़ बढ़ने लगी और उसके हर काम में नुक्स निकालने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि जो लोग उनके साथ संवेदना प्रकट करते आते, मेनका उनसे बदतमीजी से पेश आती। श्रीमती मार्गरेट थैचर के सम्मान में जो औपचारिक दावत दी गई, उसमें राजीव और सोनिया मुख्य अतिथि के साथ प्रमुख मेज पर बैठे और मेनका को धवन और उषा जगत के साथ स्टाफ के लिए लगाई गई मेज पर बिठाया गया। उसे कहा गया कि वह औरों का ध्यान बटाती हैं और उसे मेज पर बैठने की तमीज़ नहीं है। एक दिन श्रीमती गांधी ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मेनका को समझाओ कि वह बेहतर व्यवहार करे। जब मैंने मेनका से बात की तो उससे ने शिकायत की कि उसके साथ पैर की धूल की तरह बर्ताव किया जाता है और उसने श्रीमती गांधी को एक फटीचर बोरी कहा। दोनों परिवार बेहद अंधविश्वासी थे। संजय की मौत के कुछ दिनों बाद जोरबाग में अमतेश्वर के घर गया। मैंने देखा कि एक पंडित जी धोती और अडाऊ पहने संस्कृत श्लोक गुणगान कर रहे थे। उनके पीछे अपने सिर पर पानी से भरा घड़ा रखे हुए आदमी चल रहा था और उस आदमी के पीछे अमतेश्वर आनंद थी। यह सब क्या है, मैंने पूछा। मुझे बता हुए वह अपनी मुस्कुराहट छिपा नहीं सके। वो जो मिसेज सक्सेना है, संजय के साथ मृत सा पायलट की विधवा, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि दोनों लड़कों को उन्होंने सपने में देखा। वे सियासत कर रहे थे और बहुत प्यासे हैं क्योंकि वे जहां हैं वहां बहुत गर्मी है। मैंने इन पंडित जी से राय ली और इन्होंने सलाह दी कि हम लोग श्रीमती गांधी के घर के बाहर एक टाऊ लगवा दे, मैं वहीं करने जा रहा हूं। वहीं आपको बता दे कि कमला नेहरू की बहन ने मेनका को एक नेकलेस दिया और उसमें आधा चांद सितारा बना हुआ था। विजय राजे सिंधिया ने उससे कहा कि यह लोगों को बीमार करने के लिए एक तांत्रिक प्रतीक है। मेनका पहले से बीमार चल रही थी, उसने उस नेकलेस को उतार दिया और वह सहसा बेहतर महसूस करने लगी थी। इतनी खटपट के बाद जो है वो मेनका गांधी गांधी परिवार से अलग हो गई और वो अकेले रहने का निर्णय ली। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।